हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मैक्रोनी बनाने, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। उसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने एक कटोरी मैक्रोनी लिए हैं, कुछ मसाले मैंने लिए हैं, चाट मसाले 1 चम्मच के लगभग लिए हैं, और मैगी मसाले मैंने लिए हैं 1 चम्मच के लगभग, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग लिए हैं, देख सकते हैं। थोड़ी सी सूखी मिर्च पाउडर मैंने लिए है, 2 हरे मिर्च लिए हैं, अदरक कद्दूकस किया हुआ मैंने लिया है जो आप देख सकते हैं, 2 टमाटर मैंने लिया है जिसको मैं कट करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, 1 प्याज है इसको महीन मैं कट करूँगी, 1 से 2 गिलास पानी लगेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं अब गैस ऑन करने जा रही हूँ और 2 गिलास पानी डालकर उसे सबसे पहले बॉयल कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने टमाटर का प्यूरे बना लिया है मिक्सी जार में ग्राइंड करके। इधर मैंने प्याज को भी कट कर लिए हैं और इधर मैं गैस ऑन कर चुकी हूँ जो आप देख सकते हैं। इधर मैंने पानी जब अच्छे से खोलने लगेगा, अभी थोड़ी देर में पानी खोल जाएगी, तो मैं इसमें 1 कटोरी के लगभग मैक्रोनी डालकर उसे अच्छे से उबालूँगी। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल चुके हैं। इसमें आप 1 कटोरी के लगभग मैक्रोनी डाल दें और थोड़ी सी तेल हल्का सा डाल दें जिससे चिपकेगा नहीं। बस 2 बूंद के लगभग आप तेल डाल दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर लें कसर, और इसे आप चलाते हुए अच्छे से पकाएं। इस तरह से आधी बिल्कुल ये पक जानी चाहिए, उसके बाद में मैं इसे छन्नी से छान लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको अच्छे से उबलने दें। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दें जैसे मैंने लगाए हैं, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे उबल रहे हैं। इसी तरह से आपको 1 मिनट के लिए लगभग इसे उबालना है। इस तरह से इसे ढकते रहे, बीच बीच में आप इसे देखते रहे, थोड़ी सी तेज फ्लेम ही रखें इस समय। आप देख सकते हैं ये अब हो चुके हैं। चेक करने के लिए गैस पहले बंद कर दें, उसके बाद में आप इसे एक निकाल करके आप चेक कर लें। आधी पकी होनी चाहिए पूरी तरह से, मुझे गला हुआ उन लोगों को नहीं चाहिए। इस तरह से हाथ से की सहायता से देख सकते हैं आधे से पक चुका है। अब इसे आप छान लें इस तरह से, देखिए इस तरह से आप भी छान लें इसे, इस तरह से पूरे को छान लें। आप देख सकते हैं मैंने पैन तेल कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें आप 1 चम्मच के लगभग, 1 से 2 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच का ही आप यूज करें तेल या रिफाइन आप डाल दें। देखिए गर्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कढ़ाई को गर्म रखे थे इसलिए ये भी गर्म हो चुके हैं। इसमें जीरे डाल दें, अदरक डाल दें, आप लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें, इस तरह से आप हरी मिर्च भी आप कट करके बीच से इस तरह से आप पहले भी काट सकते हैं, बाद में भी इस तरह से आप काट करके इसे करें। इसके बाद में आप थोड़ा सा ये ग्रे हल्का सा हो जाए, उसके बाद में आप इसमें ओनियन जो मैंने कट किए हैं उसे डालें, उसे भी अच्छे से भून लें। देखिए ये हल्का सा भून चुका है, अदरक इस तरह से सारे को आप इसे ब्राउन होने तक पकाएं। आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब आज इसमें टमाटर का जो पीड़े है उसे ऐड कर लें, इसे अच्छे से पकाएँ थोड़ी देर तक, 1 मिनट के लगभग पकाए। इसके ऊपर से आप ये पकेंगे, उसके बाद सारे मसाले इसमें ऐड करते जाएँ, इस तरह से बराबर चलाते रहें। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से अब पक चुके हैं, सुगंध अच्छी आने लगी है। अब आप इसमें सारे मसाले ऐड कर लें, मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप भी सारे मसाले ऐड कर लें। तो इसलिए मैं नीचे लिए हैं चाट मसाला, मैंने लिए हैं सारे मसाले को, तो मैंने सबकी मात्रा आप लोगों को आपको बताइए। आप लोगों को इस प्रोसेस से आप भी बना इसे थोड़ी देर तक पकने लें, इसके बाद में आप इसमें मैक्रोनी सारी ऐड कर लें। तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कितने खिले खिले ये लग रहे हैं। इस तरह से 2 मिनट के लिए इसे आप पकाएं। आप इसमें थोड़ा सा नमक 1/2 चम्मच के लगभग नमक ऐड कर, क्योंकि मैगी मसाले में नमक होता है, मैंने ऐड किए हैं मैगी मसाले भी और चाट मसाले में भी। मैं घर पे बनाई थी चाट मसाला, जिसकी रेसिपी आप लोगों को मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह से आप भी अभी से हल्का सा ढक दें,
ढक देकर ढक कर के 2 मिनट के लिए आप इसे पकाएं अच्छे से इस तरह से। अब इसे ढक्कन लगा दें इस तरह से, देख सकते हैं, और 2 मिनट के लगभग बिल्कुल ये तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने मैक्रोनी तैयार कर चुके हैं। अब आप इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, इस तरह से इसे डाल दें और मिक्स करें अच्छे से। इस तरह से मिक्स कर लें पूरे। अब सर्व करें इसे। आप प्याज धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। गर्म में ही आप ऐड करेंगे तो ये और भी यम्मी और टेस्टी बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसे। ओनियन अगर आपको पसंद हो तो ऊपर से आप ओनियन भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं। टोमेटो सॉस तो मैंने टमाटर का यूज मैंने अधिक किया है, इसलिए ये ज़्यादा टोमेटो सॉस नहीं डालूंगा। आप चाहे तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप डाल भी सकते हैं। आप भी अपने परिवार के लिए बनाएं और इंजॉय करें। कैसा लगा मेरा वीडियो,